भाई साहब यार, पता नहीं मेरी आदत खराब होती जा रही है। अरे ये टट्टी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे एक सेकंड, क्या यार, मेरे बिल्कुल गेट के सामने टट्टी किसने कर रखी है इतनी सारी? अबे भाई ये क्या बकवास है, मेरे को कोई क्या मैसेज देना चाह रहा है? अबे क्या लाइन से टट्टी किसने कर रखी है? चोप सिंचैन, अरे चोप यहाँ पर नहीं है, सिंचैन भी नहीं है। गाइस यार ये क्या लफड़ा है भाई? छी 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 छी, मेरे जूतों में लग गई। मेरे जूते वैसे ही मैं नहीं धोता, कभी कभी धोता हूँ, ऊपर से टट्टी और लग गई। यार ये क्या कर रहा है ये? रोड पे लोग देख नहीं रहे यार, गाड़ियां कैसे लेके जा रहे टट्टी में से? छी तेरी तेजी। अरे ऊपर जा रही है कहीं पर, देखता हूँ आखिर क्या चल रहा है ऊपर। ओ नाचो नाचो पानी पियो, नाचो नाचो, सिंचन की आवाज है। अरे चोप सिंचन, अरे सिंचन बच्चे नाच क्यों रहा है? आओ मजा आया। अरे चोप क्या कर दिया तूने ये? छी टट्टियों के अंदर खड़े तू इतने सारे, अबे क्या कर रहा है सिंचन ये तूने? अरे सुमित भी आज खतरनाक वाला कॉम्पिटिशन था। अबे किस चीज का कॉम्पिटिशन? अरे सुमित भैया मैंने सिंचन, मैंने चोप को बहुत सारी हिंगोली खवा दी, इसको लग गए दर्द, और इसने देखो कितनी मस्त कारीगरी की है। देखो यार क्या ही टैलेंट चोप के अंदर, और तू खुश हो रहा है इस टैलेंट को देख के। अरे सुमित भैया तुम्हें क्या पता है टैलेंट के बारे में? तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, चोप के अंदर तो टैलेंट है ना। अच्छा तेरे अंदर क्या टैलेंट है? सुमित भैया देखो मैं कैसे नाचता हूँ, अबले बल्ले शाबा शाबा। अच्छा बकवास कर रहा है यार चुप, मुझे नहीं पता। और सिंचन तुम दोनों ये गंद फैलाइए, तुम लोग ही साफ करोगे। आओ मेरे से, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। क्यों? आओ मैं क्यों करूं, इसने करवाया। और सिंचन हाँ तेरी गलती तू करेगा। अरे मैं भी नहीं कर रहा, इसकी गलती इसने किया है क्यों? मैं कल को बोलूंगा कि जहर खा के मर जाएगा कि ये। अरे यार बहुत गंदे हो यार तुम लोग सेमी। अरे एकदम ये क्या हुआ, छाया क्यों हो गई, और ये कैसे वॉच हुई खतरनाक वाली? समित भैया वो देखो क्या आ गया, क्या आ गया? अरे ये क्या चीज है रे, अरे क्या चीज, इतनी ज्यादा बड़ी बाइक दिख भी नहीं रहा ऊपर तक। अरे गाइस ये तो असल में टाइटन है। हाँ गो टाइटन, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे स्टार गो टाइटन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समित मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जल्द दुनिया तबाह होने वाली है। क्या, कैसे, कब, क्यों, किसने, किसके लिए, किसके कहने पर, किसने कहा, क्यों करना है, किसको करना है? बकवास मत करो, एक बहुत बड़ा प्लेनेट धरती की तरफ बढ़ रहा है काफी स्पीड से, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो धरती पर टकरा जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। अरे 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 अरे, अरे, अरे मैं क्या करूँ, मैं छोटा सा बच्चा, टट्टी करनी आती नहीं मेरे को, और मेरे को टट्टी साफ करनी वहाँ पर चोप की, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ही इस धरती को बचाना होगा, मैं उसे नहीं रोक पा रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है और मैं उसके आगे छोटा पड़ रहा हूँ। तुम्हें खुद से ही खुद की हेल्प करनी होगी, वरना अलविदा बोल देना अपने घर को, पूरी अर्थ को। अरे भाई 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 ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो यार, कोई तो तरीका होगा यार उस प्लैनेट को तबाह करने का, प्लीज कोई तो तरीका होगा ना। सिर्फ एक तरीका है, तुम्हारी धरती के ऊपर कैमरामैन, स्पीकरमैन और टीवीमैन नाम के कुछ चीज रहती है। हाँ हाँ रहती है, पता है उनके बारे मुझे। उनके सबसे बड़े जायंट अवतार को आपस में मिलाकर उन्हें स्पेस में ले जाओ, जिससे तुम उनकी पावर्स को यूज करके उस प्लैनेट को तबाह कर सकते हो। ये सिर्फ आखिरी मौका है तुम्हारे पास, उन्हें जल्दी ढूंढो और जल्दी आपस में उनकी दोस्ती कराकर उनको लेके आओ यहाँ पर। हाँ ठीक है अभी जाता हूँ, जल्दी सी जाओ। अरे अंकल जी ऐसे थोड़ी, अरे आराम से उतार भी देते नीचे। अबे सिंचन दुनिया तबाह होने वाली है। क्या सिंचोप के सिर्फ टट्टी करने से दुनिया तबाह हो जाएगी? अबे नहीं, अबे यार ये असल में टारगो टाइटन है, इन्होंने बताया कि कोई ग्रह अपनी धरती के पास और अब वो पूरी धरती को तबाह कर देगा। क्या समित भैया जल्दी चलो, मुझे अपनी दीदी को लाना, नन्हे को दीदी में आया। अबे नन्हे को दीदी को छोड़, अगर धरती तबाह होगी तो उनको कहां लेके जाएगा? अपा को चल्लीस यार टीवी मैन, स्पीकर मैन और कैमरामैन को ढूंढना होगा, और तीनों को एक साथ जोड़कर अपा को एक खतरनाक वाली चीज बनानी है जिससे अपा उस प्लैनेट को तबाह कर सके। चल जल्दी सी, ठीक है समित भैया जल्दी चलो, लेट्स गो गाइस। गाइस यार फिलहाल हम लोग आ चुके हैं टीवी मैन को मनाने के लिए। अरे सुमित भैया मनाना क्या है, थप्पड़ मार के ले जाएंगे। हाँ तेरी तरह थोड़ी जो और किसी को थप्पड़ मार के ले जाएंगे। अरे सुमित भैया तुम मुझे मार के दिखाओ थप्पड़ अभी, बेटे मेरे को काम है, वरना तेरा तो दो बजा दो अभी कनपट्टी के नीचे। टीवी मैन हो गाइस, चलो यार ये यहीं पर ये टीवी मैन अरे यार तेरी मदद चाहिए हमें। अरे सुमित किस चीज की मदद चाहिए तुम्हें? अरे यार वो असल में घर पर कार्टून नहीं आ रहे, प्लीज तुम्हारे टीवी के अंदर कार्टून चला दो। तेरी ऐसी, अरे यार कार्टून वार्टून की बात नहीं, असल में यार हमारी धरती के ऊपर कोई दूसरा प्लैनेट आके टकराने वाला है, तो गॉड टाइटन ने आके बताया अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम उसे रोक सकते हैं। अरे मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमित तुमने मेरी मदद की है कितनी बार, तुम्हें असल में कैमरामैन
और स्पीकर मैन के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो, मैं उनके साथ काम बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प नहीं लोगे। पर यार प्रॉब्लम असल में ये है, तुम बहुत ज्यादा पावरलेस हो अगर वो दोनों तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ? अरे मैंने ये नहीं बोला, मतलब तुम तीनों की जरूरत चाहिए उस प्लैनेट को तबाह करने के लिए, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। यार प्लीज हमारी मदद कर दो। डेली आके झाड़ू पोछा लगा दूंगा इस जगह पर। पक्का? एक महीने तक लगाना पड़ेगा। हाँ लगा दूं, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, चलो। तो गाइस यार अभी लोग हम लोग आ चुके हैं कैमरामैन को मनाने के लिए। समित भैया तुम पिटवाओगे, पहली बता रहा हूँ। चुप रहना सिंचैन, मेरे को पहले थोड़ी हेजिटेशन हो रही है यार, इन लोगों को कैसे मिलाऊंगा साथ में। ओके तो गाइस यार वो यहीं पर रहता है, देखो बोरा। ओए कैमरामैन, ओए हेलो नीचे देख। अरे यार नीचे तो आप प्लीज, तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं भाई प्लीज नीचे आ एक बार। हाँ बोलो क्या काम है? अरे यार हमें तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज यार। अरे सुमित, अरे ये यार क्या कर रहे है टीवी मैन, मेरे को कोई बात नहीं कर रही। अरे भाई प्लीज बात तो सुन हमारी। अरे मेरे को कोई बात नहीं सुन रही, बिल्कुल नहीं सुन रही। इसके साथ में कोई कुछ नहीं करने वाला, इसको भगाओ यहाँ से, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। अरे यार प्लीज मेरी बात तो सुन लो एक बार, प्लीज। अरे कहाँ गया? अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे रुको, फाइट क्यों कर रहे हो? अरे सुमित इसको बोलो दूर हो जाए, इसमें से बदबू आ रही गूंज ऐसी। ओ यार ऐसे मत करो यार प्लीज, यार ऐसे लड़ाई वड़ाई मत करो। अरे भाई तूने मेरे कलाकंद खाए थे ना, बिना पूछे तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे चार कलाकंद खा लिए थे उस दिन से हमारी लड़ाई हुई है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो मेरे ही कलाकंद थे फ्रिज के अंदर, तुम्हारे नहीं, याद रखना तुम। अच्छा झूठ बोलता है। अरे ओए लड़ाई मत करो। अरे सुमित भैया कलाकंद के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, भिखारी लोग है ये लोग। अब भाई यार तुम कलाकंद के ऊपर लड़ाई मत करो, मैं तुम्हें 10 किलो कलाकंद ला के दूंगा अगर तुम मेरी बात सुनोगे सीसीटीवी मैन, सॉरी कैमरा मैन। अरे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। हाँ ठीक है तो मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, 10 किलो पहले ला के आओ। अरे यार रेडी पे ले आऊंगा मैं बाद में, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, इस पेश में से एक बहुत बड़ा प्लानेट हमारी धरती की तरफ आ रहा है, अगर उसको नहीं रोकेगा तो वो हमारी धरती को तबाह कर देगा। अगर सोचो वो धरती को तबाह कर देगा तो तुम कलाकंद कहाँ खाओगे और मैं टट्टी कहाँ करूंगा, तुझसे पूछा क्या किसी ने? अरे फिर मेरे को भी बताना जरूरी है ना। हाँ तो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो धरती तबाह हो जाएगी। अरे ठीक है मैं कलाकंद पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हमने फाइनली कैमरामैन और टीवी मैन दोनों को मना लिया है, अब बचा लास्ट स्पीकर मैन, उसको मनाना बाकी है। चलो मेरे साथ सभी के सभी लोग, लेट्स गो। सुनो तुम लोग मेरी बात सुनो। हाँ सुन रहे भैरे नहीं है, सुनाई देता है हमें। सिंचन तुझे बोलने को बंद किया है ना भी? अरे सुन यार तुम कौन हो, तुम मुझे चुप कराने वाले? अरे हाँ मेरी बात सुनो, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ ठीक है। अरे सुन यार मेरी लड़ाई थोड़ी किसी से, मुझे तो ले चलो, अब बार के अंदर तेरे जैसे बच्चे को लेके जाऊंगा मैं। समित भैया बहुत बुरे हो। तो चलो गाइस यार बार के अंदर चलते जल्दी सी। अरे भैया पास है क्या? पास? तेरी माँ की टेंट पास लेगा मुझसे बकबूतनी के। तो चलो गाइस यार यहीं पर मुझे मिलने वाला है स्पीकर मैन, क्योंकि यार वो यहाँ पर डांस पार्टियां करवाता है, अब देखो वो है कहाँ पर। के तो गाइस यार यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोग हैं, तो देखो वो रहा स्पीकर मैन, गाने बजा रहा है यार, मस्त नाच रहा है, इससे जाके बात करता हूँ। अरे भाई साहब यार एक तो यहाँ से चढ़ने का रास्ता नहीं है, अब चढ़ू कैसे यहाँ से, इसको कैसे यहाँ पर बुलाऊं? ओए स्पीकर मैन। अरे यार एक तो यार इतना ज्यादा बहरा है नहीं, इसको सुनाई नहीं देता, अब तो एक ही तरीका है, अगर मैं यहाँ पर पैसे बिखेरूंगा बहुत सारे तो ये जरूर आएगा यहाँ पर। ओके तो गाइस तुम्हारा भाई डाक मार के अंदर आ गया। अरे नाचो ओ पियक्कड़, निकल ले यहाँ से। ओके ये रहा, ओए स्पीकर मैन मेरी बात सुन। शॉन्टी शॉन्टी मोंटी शॉन्टी, अबे तेरे शॉन्टी मोंटी नहीं है यहाँ पर, मेरी बात तो सुन। अरे क्या चाहिए लोंडे तेरे को, बियर नहीं मिलेगी इधर को? अरे तेरी ऐसे ऐसे, अबे मेरे को बात करनी, नाचना बंद कर पहले। अरे भैया हमको कैसे रोका नाचने से? अबे यार मेरे को तेरी जरूरत है स्पीकर मैन, सुमित। अरे कौन सुमित? अरे वही जो तेरे लिए स्पीकर चुरा के लाया था। अरे अच्छा सुमित कलुए, हाँ तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ। क्या चाहिए तुम्हें, बार में किस लिए आयो? मुझे तेरी मदद चाहिए यार। अरे कैसी मदद चाहिए यार, मैं गंदे काम नहीं करता। अबे नहीं वो वाली मदद नहीं चाहिए मेरे को असल में धरती को बचाना है। अरे तू ही बचाएगा धरती को, बाकी लोग मर गए क्या? अबे यार तू बात बिगाड़ी, काम कर तू पहले बाहर आ जा। अरे ठीक है चलो बाहर चलो। हाँ बोलो क्या काम है?
अरे ये क्या, इन लोगों को तुम यहाँ पर क्यों लेके आए हो सुमित? मुझे इन लोगों की शिकल भी नहीं देखनी है। अरे मेरे को कोई मजा नहीं आता तुम लोगों को मिलाने में। फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? सुन मेरी बात सुन, मैं साफ बात करता हूँ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि धरती तबाह होने वाली है। एक प्लैनेट हमारी धरती से टकराने वाला है, मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। तुम तीनों के पावर से हम उसे तबाह कर सकते हैं। मैं लोगों को क्यों मदद करूंगा? अगर तू इन लोगों की मदद नहीं करेगा तो तू भी मरेगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो, तुमने मेरे लिए बहुत सारी चीजें की है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, एक ही बार करूंगा। ठीक है चलो, तुम लोग जल्दी से अपने जायंट रूप में आ जाओ। गाइस यार चेक आउट यार, ये देखो कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं यार, इन तीनों ने अपना फुल साइज गेन कर लिया। देखो तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस यार ये देखो, ये रहा स्पीकर मैन, और गाइस ये रहा टीवी मैन, और ये रहा कैमरा मैन, और ये देखो कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं यार। अरे सुमित भैया टाइम पास मत करो, जल्दी से बुला लो किसे। अरे सुमित भैया गो टाइटन को बुलाओ जल्दी से। लो गाइस यहां पर गो टाइटन भी आ चुके हैं। सिंचन अपा को पीछे जाना पड़ेगा इनसे बात करने के लिए। एक बार चेक करो गाइस यार, यहां पर देखो ये तीनों खड़े, और गाइस यार यहां पर गो टाइटन इनसे कितने ज्यादा बड़े यार, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहे नीचे। सुमित तुमने तुम्हारा काम कर दिया, शाबाश। अरे गो टाइटन जैसा आपने बोला था वैसे मैंने कर दिया। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें और इन तीनों को लेके जा रहा हूँ स्पेस में, और तीनों की पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और उसके बाद उन पावर्स का यूज करके तुम उस प्लैनेट को तबाह कर सकते हो। ठीक है जल्दी लेके चलो मैं। ठीक है तो 1 2 3 गो। गाइस यार हम लोग स्पेस में आ गए। अरे सुमित ये स्पेस में आ गए। और गाइस यार ये कौन सा प्लैनेट है? ये वही प्लैनेट है जो तुम्हारी धरती को तबाह करने वाला है, और ये काफी स्पीड से तुम्हारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। गाइस यार देखो सामने की तरफ यार, देखो सन रहा, और वहां पर दूर जो चमक रही वो हमारी धरती है। और गाइस यार ये काफी स्पीड से हमारी धरती की तरफ जा रही है, कितना ज्यादा बड़ा है, और हम लोग स्पेस में आ चुके हैं। तो चलो गाइस यार इसको तबाह करना शुरू करता हूँ। तो गाइस यार हमने टीवी मैन, कैमरा मैन और स्पीकर मैन सबको मिला दिया है, उससे यार हमारे पास ये पावर्स आ चुकी। देख रहे हो ये जितनी पावर्स है सारी आ चुकी, अब इससे हम इसको तबाह करते हैं। ये वाली पावर असल में है टीवी मैन की स्पेशल मिसाइल। चलो गाइस यार इस पर मिसाइल्स मारते बहुत सारी। ओ भाई साहब समेत वैसे तबाह कर। ओ भाई यार कितनी ताकतवर मिसाइल थी सही में। ओ भाई साहब ये देखो हमने आते ज्यादा तबाह कर दिया शायद ये। ओ माय गॉड वो कितनी खतरनाक थी भाई ये मिसाइल सही में, कितना बड़ा होल कर दिया भाई हमने इसके अंदर। समित भैया टीवी मैन की ताकत तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर गाइस यार टीवी मैन की ताकत से हम सब पूरा नहीं फोड़ सकते। तो चलो गाइस यार अब लेजर्स यूज करते हैं हम, किसकी? कैमरा मैन की लेजर्स। तो चलो गाइस यहां पर काफी तरह की लेजर्स है, कौन सी वाली यूज करूं? तो गाइस यार ये वाली लेजर यूज करके देखते हैं। ये गई लेजर्स, अभी तो कुछ मिसाइल्स सी जा रही फिर से। अरे समित भैया ये भी खतरनाक है। चलो गाइस यार इस तरफ से लेजर से तोड़ना शुरू करते हैं। बूम भाई कैमरामैन की लेजर देखी सिंचन तूने? भाई आर पार हो गया सब कुछ। हाँ समित भैया बिल्कुल आर पार हो गया। एक और बार यहाँ से मार के देखते हैं दूसरी लेजर को, इसी ये वाली करके देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन सी लेजर है। ओ माय गॉड, ओ यार ये वाली लेजर ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये वाली खतरनाक थी भाई देखियो। बूम, ओ भाई कितना बड़ा होल कर दिया भाई, आर पार का होल कर दिया। देखो यार सब कुछ दिख रहा है आर पार। अरे समित भैया टाइम पास मत करो, वो देखो कितने पास पहुंच गया। ओ भाई सब इसको जल्दी से और तबाह करना पड़ेगा। दु 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 दु। ये मिसाइल ये छोटी छोटी लेजर मारता हूँ, जल्दी से और तबाह कर देता हूँ इसको। ओ गाइस यार देख रहे हो हमने इसको 81% तक डैमेज कर दिया है। देख रहे हो 81%, ये थोड़ा सा और तबाह करना है हमने, कुछ तगड़ा यूज करते हैं। तो गाइस यार अभी हम लोग यूज करने वाले हैं स्पीकर मैन की सोनिक वेव्स। तो चलो गाइस हमला करते हैं। ओ गाइस यार स्पीकर मैन की सोनिक वेव्स तो देखो कितनी ज्यादा पावरफुल है। ओ माय गॉड ये तो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है स्पीकर मैन भी। ओ गाइस यार स्पीकर मैन की चीजें देखो कितनी खतरनाक, कैसे इसके छोटे छोटे दाने कर दिए। फिलहाल हमने कुछ ऐसी चीज इसके ऊपर प्लांट की जिससे पूरा तबाह हो जाएगा। ओ माय गॉड ये चली मिसाइल्स, बूम बूम भाई साहब खत्म भाई, ये इस बार तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया ये शायद। समित भैया पता नहीं खत्म हुआ है नहीं हुआ है। ओ भाई साहब अब यार ये काफी ज्यादा बड़ा बच रहा है, अभी इसको और तबाह करना पड़ेगा। गाइस यार मैं आखिर किसकी पावर यूज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिससे इसे पूरा तबाह कर सकूं मैं एक बार में। गाइस यार जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर मैं क्या यूज करना चाहिए इसके ऊपर, ये चीजें यूज करके देखता हूं। यार कैमरामैन की और खतरनाक वाली मिसाइल्स, टीवी मैन की और भी ज्यादा खतरनाक वाली मिसाइल्स यूज करके देखते हैं। भाई साहब इस वाली से तो कुछ नहीं हुआ यार, और कुछ यूज करके देखते हैं ये क्या है। गाइस ये कुछ बॉल्स ये देखते हैं इनसे क्या होता है। यार इससे भी काफी खतरनाक डैमेज हुआ, पर यार इससे अब ये प्लैनेट तबाह नहीं हुआ है पूरा, ये यूज करके देखते हैं। ये तो भाई मेरे हिसाब से स्पीकर मैन की पावर
पावर्स लग रही मेरे को। सुमित भैया पता नहीं किसकी पावर्स है पर कुछ तो करने वाली है ये। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा फिसड्डी पावर है यार, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो छोटी छोटी मिसाइल से मार रही इसके ऊपर। गाइस यार मेरे को लगता है ये पावर सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है, ये एक बार में से तबाह कर देगी। देख रहो पावर कलेक्टिंग कर रही है, पावर कलेक्ट कर रही है, और ये देखो ओ माय गॉड आर पार निकलने वाली मेरे हिसाब से यहाँ से ये लेजर, बिल्कुल बस फूटने वाला है पूरा। देख रहे हो, देख रहे फूटने वाला है भाई, पक्का फूटने वाला है। क्या गाइस यार रह गया, अब भी देखो इतना बड़ा होल हो गया, अब इसको पूरा थबा कर देते हैं। गाइस यार देखो, तो गाइस यार फाइनली जो प्लानेट हमारी धरती को पटता कराने वाला था वो हमने पूरा का पूरा तबाह कर दिया। गाइस यार हमने फाइनली हमारी धरती को बचा लिया। ओ माय गॉड फाइनली हमने अपनी धरती को बचा लिया। हमने हमारी धरती को बचा लिया। हमने धरती को बचा लिया तो ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। वो तो शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आपने टाइम पे आके बता दिया क्योंकि हमारी धरती तबाह होने वाली है, हम तो मर ही जाते। अरे कोई बात नहीं, मेरा काम है ये, तो चलो मैं चलता हूँ, बाय। चलो गाइस यार गॉड टाइटन तो चले गए, और हाँ शुक्रिया आप लोगों का, मतलब तुम लोगों का, आप तो नहीं बोलू तुम्हें मैं। हाँ ठीक है ठीक है, शुक्रिया यार तुम लोगों का बहुत ज्यादा, तुम लोग नहीं आते तो हम धरती को कभी नहीं बचा पाते। अरे वो तो सब ठीक है, मेरे कलाकंद कहाँ पर है? हाँ हाँ कलाकंद मिल जाएंगे ना तुम्हारे। ओके गाइस यार इन लोगों को कलाकंद दे दो यार, जल्दी इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो, कैमरामैन ओपी, टीवी मैन ओपी, स्पीकर मैन ओपी, इन लोगों ने हमारी धरती को बचाया। हाँ गाइस जल्दी से लिख दो। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे उसको नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want it, baby just get on it, ready to go, we know how to party, pull out the book.